शरीफा, जिसे सीताफल भी कहते हैं, उसे खाने का मन तो सबका करता है, लेकिन उसके अंदर जो बीज आते हैं उसकी वजह से मजा कम हो जाता है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे बीज बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आपको शरीफे का पूरा मजा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शरीफे को खोलना है और उसमें से उसके बीज निकाल लेने हैं। इसे किसी चाकू छुरी की जरूरत नहीं, हाथ से ही खुल जाता है। और उसमें से हम बीज निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच का यूज करते हुए हम सारे बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद जो छिलका बचता है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसके अंदर भी काफी पल्प होता है। तो पहली टिप्स यही है हमारी कि एक चम्मच की हेल्प से हम इस पल्प को निकालेंगे इस तरह से। यहाँ मैं एक ही शरीफे का यूज कर रही हूँ, इसी में सारी टिप्स बताऊंगी। देखिए इसमें से कितना सारा पल्प निकल रहा है। शरीफे के पल्प से बहुत सारी स्वीट डिश बनती है, मिल्क शेक भी बन सकता है। अब हमारी जो दूसरी टिप्स है उसके अंदर हमें एक मोटी छलनी लेनी है, उसे एक बर्तन पर रखना है और चम्मच को प्रेस करते हुए उसके बीजों को निकालेंगे। अगर आपको कोई स्वीट डिश बनानी है तो इसे अच्छे से प्रेस करते हुए नीचे से पल्प निकालेंगे तो बहुत ही महीन पल्प निकल आएगा, उसे आप किसी भी स्वीट डिश में यूज कर सकते हैं। यहाँ इसके बीज बिल्कुल अलग हो चुके हैं, उन्हें चम्मच की हेल्प से निकाल देंगे। ये हमारा पल्प तैयार है। अब बारी आती है नेक्स्ट टिप्स की। इसके लिए हमें एक कद्दूकस चाहिए, उसमें थोड़े थोड़े बीज रखेंगे और उन्हें प्रेस करके उसके बीज अलग कर देंगे। इस तरीके से भी बीज अलग होते चले जाएंगे, वो हाथ में आ जाते हैं, उन्हें अलग रख देंगे। हमें सारे फल खाने चाहिए, सिर्फ बीजों की वजह से उसे हम छोड़ दें ये तरीका सही नहीं है। इस तरह से हम बीज निकाल के फल को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब बारी है फोर्थ टिप्स की। तो उसके लिए एक चॉपर चाहिए, चॉपर के अंदर हम जो बीज डालने हैं उन्हें डाल लेंगे और हल्के हाथ से थोड़ा सा चॉपर चलाएंगे। इसमें थोड़े से कुछ बीज रह गए हैं, उसके लिए थोड़ा और चलाएंगे और फिर देखिए सारे बीज अलग हो गए, इनको निकाल देंगे। अब ये पल्प तैयार है, देखिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट तरीके के लिए। इसके लिए एक थाली में जो बचे हुए सारे बीज थे वो ले लिए हैं मैंने, और ये पोटैटो मैशर है, इसे मैश करना है। मैश क्या, प्रेस करना है बस। प्रेस करने से बीज निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे और पल्प हमारा इकट्ठा हो जाएगा। मैं घर के कामों की दूसरी तरह की वीडियो भी बनाती रहती हूँ, उनको देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जितने भी तरीके बताए हैं उनमें से कोई भी आप एक अपना कर शरीफे के सारे बीज निकाल कर उसे खा सकते हैं या कोई भी स्वीट डिश बना सकते हैं।